हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ओल्ड पेपर की, और जो पेपर मैंने आज लिया है वो है जून 2008 का। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इस समय के टाइम में जो पेपर था वो तीन पेपर आते थे। एक जनरल पेपर आता था, एक सेकेंड जो कि आपके सब्जेक्ट का पेपर होता था, और थर्ड आपके सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होता था। तो डिस्क्रिप्टिव हमने छोड़ दिया है, केवल हम सेकेंड पेपर जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आता है उसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। और क्योंकि मैंने देखा है कि जो पहले के जो पेपर आते थे ऑब्जेक्टिव, उनमें से भी आज भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना आपके लिए ही बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ बना रखी है। लेकिन इस सीरीज़ में मैं जो भी क्वेश्चंस सॉल्व कराती हूँ उसको तीन पार्ट में डिवाइड करके अपलोड करती हूँ, प्राचीन अलग, मिडविल अलग और मॉडर्न अलग। तो आज जो टाइम बना है वो है मिडविल हिस्ट्री का। तो चलिए, मिडविल के जो भी क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं उसे हम सॉल्व करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो कल ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, चलिए यहीं से हम सॉल्व करते हैं। ये एंशिएंट का क्वेश्चन है। अंजुमन, अंजुमन हो जाएगा संगठन से। कुलीन, कुलीन हम करेंगे बहुविवाह से। और कनाकरम, ये हो जाएगा काश्तकार से। और मिताक्षरा, उत्तराधिकार से। तो इस तरह से आप सम्मिलित कर लीजिए। फिर से बोल देती हूँ, अंजुमन, संगठन, कुलीन, बहुविवाह, कनाकरम, काश्तकार, मिताक्षरा, उत्तराधिकार से संबंधित होगा। तो यहाँ सूची एक को सूची दो से हमें सम्मिलित करना है। मुतादित खान हो जाएंगे इकबाल नामाए जहांगीरी से यहाँ पर। फिर लाहौरी को हम करेंगे पातशाहनामा से। और बदायूनी हो जाएंगे मुंतखब उल तवारीख सेकंड नंबर से। खफी खां हो जाएंगे मुंतखब उल लुवाब से। फिर से यहाँ पे सम्मिलित करने का ऑप्शन आ गया है। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद को करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से। अलाई दरवाज़ा, इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह शर्की ने। और रोहतास गढ़ किला कराया था शेर शाह सूरी ने। फिर से देख लेते हैं, कुवत उल इस्लाम मस्जिद ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह शर्की और रोहतास गढ़ किला शेर शाह सूरी। चहलगानी निम्न के शासनकाल के दौरान प्रमुख था। तो प्रमुख था यानी इसका प्रभाव था सबसे ज़्यादा अल्तुतमिश के शासनकाल में। बाबर ने गाजी का खिताब कब अपनाया? तो खानवा के युद्ध में, जो कि 1527 में हुआ था, तो इसी समय इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा पराजित हुए। इस युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया तथा जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। निम्न में से सूफी संतों का क्रम ऋषि सिलसिला कहलाता है? तो ऋषि सिलसिला कहलाता है कश्मीर में। ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। सफ़ी नाथ उल औलिया का लेखक कौन था? तो सफ़ी नाथ उल औलिया का लेखक था दारा शिको। दिल्ली के दो इतिहासकारों का नाम बताइए जिनकी कृति का शीर्षक तारीख़े फिरोज शाही है। मतलब दोनों ने फिरोज शाही, तारीख़े फिरोज शाही
नाम से किताबें लिखी हैं। तो ये थे जियाउद्दीन बरनी और शम्स सिराज अफीक, ने बरनी और अफीक भी बोलते हैं, तो जियाउद्दीन बरनी और शम्स सिराज अफीक, इन्होंने तारीख़ फिरोजशाही पुस्तकें लिखी थी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर का नाम दिया गया है। तो कथन कहता है, जात इंगित करता है कि मनसबदार के पास कितने सैनिक हैं, करेक्ट है। फिर कारण दे रहा है, सवार मुगल प्रशासन अधिक्रम में व्यक्तिगत हैसियत और पद इंगित करता है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा इसमें आंसर देख लेते हैं, आंसर बन जाएगा ए आर, दोनों ही सही है। नीचे क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर का नाम दिया गया है। कथन ए कहता है, बलक बदखास पर आक्रमण और शाहजहां द्वारा कंधार के एक के बाद एक तीन घेराबंदी का परिणाम खून बहाना, 30,000 से 40,000 लोगों की मृत्यु, 35 मिलियन रुपए के व्यय के अलावा कुछ नहीं था, बिल्कुल सही है। फिर रीज़न देख लेते हैं, इसका मुग़ल संसाधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये तो गलत कह रहा है, इनकरेक्ट है। इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। फिर से कथन कारण का ही क्वेश्चन आ गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर का नाम दिया गया है। कथन कहता है, अलाउद्दीन खिलजी कर प्रणाली और अनाज एकत्रीकरण में मुख्य परिवर्तनों से जुड़ा था, उसने कम कीमतें सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय भी किए, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, उसमें कारण दे रहा है, अपनी फौज का विस्तार करने और उन्हें कम वेतन पर रखने के उद्देश्य से, तो ये गलत है। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम रूप से सही है, तो जो क्रम सही हो रहा है वो हो रहा है ए। मैं आपको इसका डेट बता देती हूँ, मैं राइट नहीं कर सकती हूँ, राइट करने में यहाँ पे प्रॉब्लम है। संगम वंश का जो काल रहा है वो रहा है 1336 से 1485 ईस्वी तक। फिर सालूफ वंश का जो कालक्रम रहा है वो है 1485 से 1506 ईस्वी तक का काल रहा है। फिर तालुवंश रहा है 1506 से 1572 ईस्वी तक, और वीडुवंश 1572 से 1672 ईस्वी तक। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो लोग नहीं राइट कर पाए हैं दोबारा राइट कर लें। संगम वंश 1336 से 1485, सालुवंश 1485 से 1506, और तालुवंश 1506 से 1572, और अरविडु वंश 1572 से 1672 तक। तो इसका जो क्रम सही होगा वो होगा संगम, सालू, तालुफ और अराविड। निम्न लिखित को सही क्रम में रखें, तो फिर से इसमें हमें क्रम ही लगाना है। तो इसमें जो क्रम करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शम्स सिराज अफीफ, अब्बास खान शेरवानी, हसन निजामी, मीनहास सिराज। फिर से देख लेते हैं, शम्स सिराज अफीफ, अब्बास खान शेरवानी, हसन निजामी और मीनहास सिराज। निम्नलिखित को सही अनुक्रम में रखें, तो जो सही अनुक्रम है वो होगा ऑप्शन सी, कालिंजर का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और लास्ट में हुआ तालीकोटा का युद्ध। तो ईयर वाइज एक बार हम देख लेते हैं, घाघरा का युद्ध
यहाँ पे ये गलत ऑप्शन टिक किया हुआ है। ऑप्शन ए होगा सबसे पहले घाघरा का युद्ध जो कि हुआ था 1529 में, फिर कालिंजर का युद्ध जो कि 1545 में हुआ, फिर पानीपत का युद्ध 1555 और तालीकोटा का युद्ध 1565 में। फिर से एक बार देख लीजिए, घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, कालिंजर का युद्ध हुआ 1545 में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1555, तालीकोटा का युद्ध 1565 में। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है मिडिवल हिस्ट्री का। यहाँ पे भी सूची दी गई है और सूची एक को सूची दो से हमें सम्मिलित करना है। तो निकोलो दी कोंटी, इसे हम करेंगे, इटली का यात्री था। एथनासियस, ये हो जाएगा रूस से। अब्दुल रज्जाक ईरान से। डोमिंगो पेयस, ये हो जाएगा पुर्तगाल से। फिर से देख लेते हैं, निकोलो दी कोंटी इटली से, एथनासियस रूस से, अब्दुल रज्जाक ईरान का यात्री था, और डोमिंगो पेयस पुर्तगाल का। तो यहाँ हमारा जो 2008 का मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है, और कल हम आधुनिक इतिहास के जो भी इसके क्वेश्चंस बचे हों उन्हें सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में, यहाँ आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट को। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये रहा मध्यकालीन इतिहास, जो वीडियो अभी हम सॉल्व कर रहे थे उसकी पूरी सीरीज़ है। तो ये मध्यकालीन इतिहास की पूरी सीरीज़ बनी हुई है, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। वहाँ पर मध्यकालीन इतिहास करके प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, जिसमें अभी जो दिसंबर 2019 में पेपर हुआ है वहाँ से लेके हम पीछे की ओर जा रहे हैं, 2008 तक हम पहुँच गए हैं। तो इसमें आपको काफ़ी ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, और ओल्ड पेपर सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आप देखेंगे रिपीट होते रहते हैं आपस में। तो ज़रूर आप इसे सॉल्व करिए, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।